अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर, चलिए आज की क्लास शुरू करती हूँ मैं। और आज का हमारा उन्वान है तस्वीर की दुरुस्त आवाज़ पर दायरा करें। बच्चों, यहाँ बहुत सारी तस्वीर बनी है। पहली तस्वीर अनार की है और यहाँ दो हर्फ लिखी हुई है। पहली हर्फ अलिफ मद आ है और दूसरी अलिफ है। तो प्यारे बच्चों, अनार की दुरुस्त आवाज़ अलिफ मद से नहीं होती है, अलिफ से होती है। तो हर्फ अलिफ पर दायरा करेंगे और अलिफ से क्या हो गया, अलिफ से अनार। अब हम दूसरी तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। ये तस्वीर तितली की है और यहाँ दो हर्फ लिखी हुई है। पहली हर्फ ता है और दूसरी हर्फ रा है। तो प्यारे बच्चों, तितली की दुरुस्त आवाज़ रा से नहीं होती है, ता से होती है। तो इस तरह ता पे दायरा करेंगे और ये हो गई ता से तितली। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये तस्वीर चिड़िया की है और यहाँ दो हर्फ लिखी हुई है। पहली हर्फ जाल है, तो जाल से चिड़िया नहीं होती है, चिड़िया की दुरुस्त आवाज़ चा है। तो चा पे दायरा करेंगे और ये हो गया चा से चिड़िया। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी दूसरी तस्वीर के जाने पड़ते हैं। ये तस्वीर किस चीज़ की है बच्चों? ये तस्वीर पतंग की है और यहाँ पर दो हर्फ लिखे हुए हैं। पहली हर्फ पा की है और दूसरी ड़ा की है। पतंग की दुरुस्त आवाज़ पा से होती है। पा पे इस तरह दायरा करेंगे और ये हो गया पासे पतंग। अब हम अपनी अगली तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। ये तस्वीर टेलीफोन की है और टेलीफोन की दुरुस्त आवाज़ ता से होती है। यहाँ पे दो हर्फ लिखी हुई है। पहली हर्फ है सी और दूसरी हर्फ है ता। पर ता की दुरुस्त आवाज़, टेलीफोन की दुरुस्त आवाज़ ता से होती है। तो ता पे दायरा करेंगे और ये हो गया ता से टेलीफोन। बच्चों, यहाँ पे दो हर्फ लिखी हुई है। पहली हर्फ दाल की है और उसके बाद ये हर्फ आइन है। आइन से दरख्त नहीं होती है, दरख्त की दुरुस्त आवाज़ दाल है। तो दाल पर दायरा करेंगे और ये हो गई दाल से दरख्त। अब हम अपनी अगली तस्वीर के जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है ये? ये है जोकर। आप लोगों ने जोकर देखा है ना? जोकर की दुरुस्त आवाज़ किस चीज़ से होती है, किस हर्फ से होती है? जीम से या तो से? तो से जोकर नहीं होती है। जोकर की दुरुस्त आवाज़ जीम से है। तो जीम से जोकर। तो जीम पर दायरा करेंगे और ये हो गया जीम से जोकर। अब हम अपनी दूसरी तस्वीर के जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बताओ ये क्या बनी हुई है? ये साबुन बनी हुई है। तस्वीर साबुन की है और यहाँ पर साबुन लिखी हुई भी है। तो इससे ये पता चल गया कि स्वाद से साबुन होगा। तो हर्फ स्वाद पर दायरा करेंगे। स्वाद की साबुन की दुरुस्त आवाज़ स्वाद से होती है। और अब हम अपनी आखिरी तस्वीर के जाने पड़ते हैं। ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर गुलदस्ता की है और यहाँ भी दो हर्फ लिखे हुए हैं। पहली हर्फ गाफ है और दूसरी हर्फ लाम है। प्यारे बच्चों, लाम से गुलदस्ता होता है? नहीं, गुलदस्ता की दुरुस्त आवाज़ क्या है? गाफ है। तो हम लोग गाफ पर दायरा करेंगे, गाफ से गुलदस्ता। बच्चों, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया, अब हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। अलिफ से अनार, अनार की दुरुस्त आवाज़ अलिफ से है। तो अलिफ से अनार। उसके बाद तितली, तितली की दुरुस्त आवाज़ ता से होती है। तो ता से तितली। और ये तस्वीर चिड़िया की है। मैंने बताया आप लोगों को चिड़िया की दुरुस्त आवाज़ चा से होती है। तो चा से चिड़िया। और ये तस्वीर पतंग, तो पतंग पे मैंने दायरा लगाया था। ये हो गया पासे पतंग।
पतंग की दुरुस्त आवाज़ पा से है। उसके बाद ये हुई टेलीफोन, टेलीफोन की दुरुस्त आवाज़ ता से होती है, ता से टेलीफोन। उसके बाद ये दरख्त, ये तस्वीर दरख्त की है। बच्चों मैंने अभी बताया आप लोगों को दरख्त की दुरुस्त अल्फाज दाल होती है, तो दाल पे मैंने दायरा किया था और ये हो गया दाल से दरख्त। और ये तस्वीर जोकर की है। बच्चों मैंने अभी बताया था आप लोगों को जोकर की दुरुस्त आवाज़ किस चीज़ से होती है, किस हर्फ से होती है, जीम से, जीम से जोकर। दूसरी तस्वीर साबुन की है और यहाँ पर दो हर्फ है पर साबुन की दुरुस्त आवाज़ स्वास से होती है, तो स्वास से साबुन। और ये आखिरी तस्वीर गुलदस्ता की है। गुलदस्ता की दुरुस्त आवाज़ गाफ से होती है, तो मैंने गाफ पे दायरा किया है और ये हो गया गाफ से गुलदस्ता। तो बच्चों जो मैंने आज ये पढ़ाया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और घर पर मश्क करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।